आज पढ़ेंगे सिक्स क्लास की पहली कविता का नाम है वह चिड़िया जो। इसके कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल, जो एक छोटी सी चिड़िया के बारे में बता रहे हैं। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे झुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। कवि बता रहे हैं कि वह चिड़िया जो है वो चोंच मारकर झुंडी के दाने का अर्थ है कि ज्वार के दानों को, दूध भरे ज्वार के दानों को बड़े प्यार से रुचि से खा लेती है। वह छोटी संतोषी वह चिड़िया है वो बहुत ही संतुष्ट है, संतोषी है, वह नीले पंखों वाली है, उसे अन्न से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उंडेल कर गा लेती है, वह छोटी मुंह है बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। वह चिड़िया वन से बहुत प्यार करती है, कंठ खोलकर यानी अपने मधुर कंठ से बूढ़े वन बाबा की खातिर। इसका अर्थ ये है कि पुराने वृक्ष पुराने वन की खातिर रस बड़े रस भरे गाना गा लेती है। वह छोटी मुंह बोली चिड़िया है और वह नीले पंखों वाली है, उसे वन से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो चोंच मारकर सढ़ी नदी दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। अंतिम पद्य में कवि ये बता रहे हैं कि वह चिड़िया छोटी सी है पर वह अपने चोंच में उफनती हुई नदी से जल लेकर अपनी प्यास बुझा लेती है। वह बहुत ही गर्वीली, गर्वीली का अर्थ होता है वह बहुत ही गर्व वाली है और नीले पंखों वाली है, उसे नदी से बहुत प्यार है। इस कविता में कवि ये बता रहे हैं कि नीले पंखों वाली एक छोटी चिड़िया है, वह संतोषी है, अन्न से बहुत प्यार करती है, वह अपने पन के साथ कंठ खोलकर पुराने घने वन में पैरों गाती है, वह मुंह बोली है, वह एकांत में उमंग से रहना चाहती है, वह उफनती नदी के विषय में जानकर भी जल की मोती सी बूंदों को चोंच भर भर लाती है, उसे स्वयं पर गर्व है, वह साहसी है, उसे नदी से बहुत लगाव है। तो ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।